असलकम सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज हमारा इक्कीसवा लेक्चर है अभी तक हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स और सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के फीचर्स वगैरह कवर किए हैं और साथ साथ हम प्रोग्रामिंग भी सीखते गए हैं आज एक छोटा सा टॉपिक बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करते हैं और वो है बिट मैनिपुलेशन का और बिट ऑपरेटर्स का देखें अभी तक हम जो वेरिएबल्स इस्तेमाल करते आए हैं या डेटा टाइप्स जिनके साथ हमने काम किया है इंटिजर्स चार यानी कैरेक्टर फिर फ्लोट डबल ये नेटिव डेटा टाइप्स थी फिर इनकी एरेज़ वगैरह हैंडल की ये सब जो हैं ये बाइट लेवल या मल्टीपल बाइट्स वाले डेटा टाइप्स हैं वॉट अबाउट बिट्स आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर तो हर चीज़ वन और जीरोज़ के अंदर रिप्रजेंट हो रही है अभी तक अगर हम इंटीजर लेते हैं तो वो एज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स यानी हमारी मशीनों पर टिपिकली फोर बाइट्स का इंटीजर होता है तो फोर बाइट्स एक वक्त में मैनिपुलेट हो रही होती हैं सो इफ़ इसे फोर प्लस टू तो फोर प्लस टू का समसिक्स जो है वो सारा फोर फोर बाइट्स के अंदर स्टोर करके मैनिपुलेट हो रहा होता है वॉट हैपन्स इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिपुलेट दैम बिट्स एट अ टाइम यानी हम बाइट के भी अंदर घुस के बिट्स की बात करना चाहें यह है आज के लेक्चर का टॉपिक आपको याद होगा कि जी एक बाइट के अंदर आठ बिट्स होती हैं सो so आज हम बात करना चाहते हैं कि इन आठ बिट्स में से इनको ऑन कैसे करते हैं या ऑफ़ कैसे करते हैं यानी कि वन कैसे बनाते हैं ज़ीरो कैसे बनाते हैं और इस काम के लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर्स हैं कुछ हम इस चीज़ के ऊपर भी गौर करेंगे कि जी ये सारे काम करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है चलें यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं बेसिक आइडिया जो है वो तो है कि जी अगर हम बिट मैनिपुलेशन करें तो एक बाइट के अंदर आठ मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर हम हिसाब किताब कर सकते हैं विच मीन्स इट्स अ वेरी एफिशेंट यूज़ ऑफ मेमोरी। डू वी नीड दिस एफिशेंसी वम येस येसम्स नो ऑबसली देर आर नो क्लियर आंसर्स कि जी हर जगह पर बिट मेनिपोलेशन हम कर रहे हों या ये भी नहीं है कि जी हर जगह पर हम इंट्स इस्तेमाल कर रहे हों ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनके फाइलों के एट्रीब्यूट्स वगैरह उसके अंदर बिट फील्ड्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं हम जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो आप समझेंगे कि जी ऑपरेटिंग लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे अगर हम काम करना चाहें तो ये मेनिपोलेशन वहाँ पे यूज़फुल रहती हैं लेट्स लुक एट अ फ्यू ऑफ द ऑपरेटर्स दैट वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद अभी तक आपको याद होगा हमने लॉजिकल टेस्ट के लिए कुछ ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस किए थे एंड और और के ऑपरेटर्स एंड के लिए हमने डबल एम्परस एंड सैन इस्तेमाल किया था और के लिए वो डबल वर्टिकल बार जो है पाइप सिंबल जिसको मैं कहता होता हूँ ये पाइप का वर्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है लेकिन फिर डॉस वग़ैरह में भी अवेलेबल है तो वो सिंबल हम इस्तेमाल करते थे आज हम लॉजिकल जो हैं यानी वो एंड और और जो इफ स्टेटमेंट या वाइल्ड लूप्स के अंदर हम इस्तेमाल करते थे फॉर टेस्ट उनकी बात नहीं कर रहे आज हम कर रहे हैं बिट ऑपरेटर्स की बात तो यहाँ पे जब मैं एंड या और की बात करूँगा वो एंड जो है वो सिंगल एम परसेंट के साथ रिप्रेजेंट होता है और जो है वो सिंगल पाइप के साथ रिप्रेजेंट होता है दीज आर असेंशली बुलियन ऑपरेटर्स जिनके साथ नंबर्स के कंबाइन किया जा सकता है नाउ द रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन वो आपको शायद सी एस वन वन इंट्रोडक्शन टू कम्प्यूटिंग से याद हों यही वहाँ पर कवर किए गए थे और वही हम बिट मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स कौन से हैं एंड और ये तो मैंने आपको बता दिया ये अब कन्फ्यूज़ नहीं करना दीज आर नॉट द लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि इस स्टेटमेंट वाले थे ये बिट ऑपरेटर्स हैं सो दे आर सिंगल एम्पस एंड सिंगल पाइप सिम्बो उसके अलावा वी हैव एन एक्सक्लूसिव और उसके लिए कैरेट इस्तेमाल किया जाता है जो ऊपर को हैट बना हुआ है और फिर हमारे पास नॉट ऑपरेटर है इन्वर्ट करने के लिए उसके लिए जो टिल्डा साइन है वो अभी आपके कीबोर्ड पे टॉप लेफ़्ट पे आपको नजर आएगा सो so, वो टिल्डा इस्तेमाल होता है नॉट ऑपरेटर के लिए और फिर इसके साथ बाकी सारी इनकी कॉम्बिनेशनस हैं इसके अलावा हम बिट शिफ्ट भी करते हैं लेफ़्ट और राइट सो so, बिट शिफ्टिंग के लिए भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और उनका भी मतलब समझना पड़ेगा कि जी ये शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है और उसका अरिथमेटिक या मैथमेटिकल इफ़ेक्ट क्या होता है लेट अस स्टार्ट विद द एंड ऑपरेटर एंड का वही डेफिनेशन है सी एस वन ओ वन वाली कि अगर दो बिट्स वन हों तो वन एंड वन का रिज़ल्ट वन होगा अगर दोनों बिट्स में से कोई भी ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा सो एंड मीन्स बोथ बिट्स हैव टू बी वन फॉर द रिज़ल्ट टू बी वन देन वन एंड ज़ीरो इज़ीरो ज़ीरो एंड वन इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ ज़ीरो सो इसका ट्रूथ टेबल आप देख रहे होंगे इज़ वेरी सिंपल इसकी सिर्फ आउटपुट में एक लाइन पर वन आता है जहाँ पर दोनों इनपुट बिट्स जो हैं वो वन हों थोड़ा सा हम इन अ वे आगे चले गए हैं बट आई वुड जस्ट लाइक टू रि एट्रेट कि जब हम कोई मेमरी में कोई भी इंटिजर या नंबर स्टोर करते हैं वो एक्चुअली तो बिट पैटर्न ही स्टोर किया जा रहा है सो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि हम बिट वाइज दो नंबर्स को एंड कर सकते हैं टू सी हाउ दिस इज़ डन लेटस्ट टेक अ लुक एट एन एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं दो नंबर्स का हम समझते हैं कि जी एक नंबर जो है वह ट्वेल्व है उसकी बाइनरी रिप्रजेंटेशन आप कर सकते हैं कैन कैलकुलेट मैंटली कि जी ट्वेल्व की बाइनरी रिप्रजेंटेशन क्या होगी याद रहे कि जो बिट्स जो हैं वो राइट से अगर शुरू करें तो राइट मोस्ट बिट इज़ टू टू द पावर जीरो को रिप्रजेंट कर रही है नेक्स्ट जो है ये बिल्कुल वही पोजिशनल नोटेशन है जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट बेस टू है नेक्स्ट बिट जो है वो टू टू द पावर वन को रिप्रेजेंट कर रही है तीसरी जो है वो टू टू द पावर टू को चौथी जो है वो टू टू द पावर थ्री एंड सो ऑन अब अगर ट्वेल्व को रिप्रेजेंट करना है तो इन अ वे अगर पावर ऑफ टू में देखें इट इज़ एट प्लस फोर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो सो टू टू द पावर थ्री विच इज़ एट वो वाली बिट वन हो जाएगी 2 टू द पावर 2 व्हिच इज़ 4 वो वाली बिट 1 होगी 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0 वाली बिट्स so, 0 0 होंगी सो सिंपल वर्किंग 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज़ वन वन ज़ीरो ज़ीरो अब अगर इसके साथ एक और नंबर हम लेते हैं वो ले लें 8, तो 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज़ वन ज़ीरो 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 ठीक है ना अगेन 2 टू द पावर थ्री वाली बिट वन है और बाकी उसके राइट वाली बिट्स ज़ीरो हैं ऑब्वियसली इससे अगर ऊपर को जाएंगे तो वो सारी बिट्स वैसे ही ज़ीरो हैं ये दो नंबर ले लें ट्वेल्व और एट और इनको एंड करें दिस इज़ द बिट वाइज एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सो इफ़ यू लुक एट द अरिथमेटिक इज़ वेरी सिंपल ऊपर हमने वन वन ज़ीरो ज़ीरो लिख दिया नीचे वन ज़ीरो 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 लिख दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ज़ीरो एंड ज़ीरो आंसर इज़ ज़ीरो 0 and 0 answer is 0, 1 and 0 answer is still 0, 1 and 1 the answer is 1. So, when we AND 12 and 8 together, the binary answer is 1 0 0 0. This means the answer is 8. Now, I do not want you to think about this from an arithmetic or a mathematical perspective because it becomes fairly confusing. प्रॉब्लम ये है कि जी हम कहते हैं ट्वेल्व एंड एट इज़ एट यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ बिट परस्पेक्टिव ठीक है इट इज़ मोर ऑफ अ पैटर्न मैचिंग इशू कि जी दो नंबर्स को अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आमने सामने रखा जाए या ऊपर नीचे रखा जाए तो दोनों में जो कॉमन वन बिट्स हैं वो आंसर में वन बिट्स बनेगी जहाँ पे भी किसी एक नंबर में ज़ीरो है या दोनों में ज़ीरो बिट है तो आंसर में वहाँ पे ज़ीरो आएगा सो इट इज़ अ पैटर्न इशू ये ख्याल रखिएगा ऑल यू नीड टू बी से डेक्सट्रस विद या आपको जिस चीज़ के ऊपर सलाहियत होनी चाहिए कि वो किसी इंटीजर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को या आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकें या जल्दी से कागज़ पे लिख सकें इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट द वे टू डू इट ऑफ कोर्स इज़ अ डी कॉम्पोजिशन इन टू पावर्स ऑफ टू और उनको जमा करके यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग आउट द बिट्स हमारे एग्जाम्पल में हमने ट्वेल्व और एट लिए थे छोटे से नंबर्स हैं सो so एक आध बिट जो थी वो वन थी लेकिन बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं एनी वे लेट्स मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड कि ये जो है ये बेट ऑपरेशन है ये लॉजिकल एंड नहीं है जो लॉजिकल एंड हमने इस्तेमाल किया था जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन वन एंड बी इज़ लेस दैन टू उस एंड के लिए हम डबल एम साइन इस्तेमाल करते थे और वो क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर था उसका जवाब या ट्रू आता है या फॉल्स आता है यहाँ पे हम बिट्स को एंड कर रहे हैं यहाँ पे आंसर या वन आएगा या ज़ीरो आएगा और दूसरी चीज़ ये तमाम ऑपरेटर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल एंड के लिए हम सिंगल एम परसेंट इस्तेमाल करेंगे और के लिए सिंगल पाइप सिंबल इस्तेमाल करेंगे द आंसर ऑलवेज जीरो और वन नॉट ट्रू और फॉल्स लेट्स टेक अ क्विक लुक एट अ सिंपल एग्जाम्पल टू डिटर्मिन कि अगर कोई भी नंबर दिया हो उसमें कोई ख़ास बिट जो है वो वन है कि ज़ीरो है ऑब्वियसली इसको डिटर्मिन करने के लिए लेट्स से कि जी चौथी बिट जो है वो उसकी वन है कि ज़ीरो है यू हैव टू डिटर्मिन कि जी अगर फोर्थ बिट ऑन हो तो वो पावर ऑफ टू क्या बनती है सो इफ यू थिंक अबाउट इट द फोर्थ बिट इज़ ज़ीरो वन टू थ्री इट इज़ द टू टू द पावर थ्री वाली बिट यानी कोई नंबर लें उसको टू टू द पावर थ्री इज एट उसको एट के साथ बिट वाइज एंड कर दें अब एट में बाकी तमाम बिट्स ज़ीरो हैं एक्सेप्ट द फोर्थ बिट अगर वो रिजल्ट जो है नंबर का ऑफ बीइंग एंडेड विद एट अगर वो नॉन ज़ीरो आता है नॉन ज़ीरो कब आएगा अगर उस नंबर में भी चौथी बिट वन हो और एट में भी चौथी बिट वन है तो तब उनका पैटर्न मैच करते हुए रिजल्टेंट में वन बिट आ जाएगी दैट मीन्स विल गेट अ नॉन ज़ीरो आंसर नॉन ज़ीरो मैं इस वास्ते कह रहा हूँ सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी आंसर में वन आया है या टू आया है या फोर आया है या एट आया है नोटिस आई एम काउंटिंग पावर ऑफ टू बिकॉज कोई भी बेट ऑन हुई तो द आंसर विल बी अ पावर ऑफ टू ऑल वी केयर अबाउट इस कि जी अगर नॉन ज़ीरो आंसर आया है तो हमारे टेस्ट पैटर्न के साथ जो हमारा अन नोन नंबर था उसमें वो बेट्स मैच करती हैं सो वी कैन बेसिकली क्रिएट एनी टेस्ट पैटर्न एंड एंड इट विद द नंबर टू डिटरमिन के वो वाली बिट्स उसके अंदर एक बिट जो है वो ऑन है कि नहीं है इस सिंपल एग्जांपल को देख लें इसमें एंड हमने कर दिए किसी नंबर को और हमने यही वाला एग्जांपल ले लिया कि जी एट के साथ एंड कर दिया अब देखें हम थोड़ा सा ना हॉरिजोंटल इंटेग्रेशन कर रहे हैं अपनी स्किल्स की यहाँ पर अगर देखें हमने लिखा है इफ़ और फिर पैरथिसिस के अंदर नंबर एंड 0x8। एट पहली चीज़ कि ज़ीरो एक्स एट क्या चीज़ है अगेन आई विल गो बैक एंड से जी सी एस वन ज़ीरो वन में भी बात हुई थी हेक्सा डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सी में ख़ास तौर पे हम 0x लिख देते हैं पहले अगर नंबर से पहले ज़ीरो एक्स लिखा हो तो बाद की डिजिट्स जो हैं वो हेक्साडेसिमल डिजिट्स गिनी जाती हैं तो अब हम जीरो ज़ीरोस एट जब लिखते हैं दिस सिंपली मीन्स एट इन हेक्सा डेसेमो डजन बॉदर आस वी कुटिन एट डायरेक्टली बट दिस आर नॉम दटवीन वी डूइंग बिट मैनिपलेन्स वी स्टार्ट राइटिंग हेक्सा डेसेमो नंबर्स सो अब नंबर को एंड किया है हमने एट के साथ और जो रिजल्ट आया है मैंने उसको ये नहीं लिखा कि जी एफ नंबर एंड एट ग्रेटर दैन ज़ीरो वाई नाट मैंने सिर्फ लिखा है एफ और फ्रेंथिस के अंदर नंबर एंड जीरो एक्स एट Why does this work? The reason it works is, as you probably know by now, jo if jo hai, it is looking for a true or false answer. Now, true is considered any non-zero value, and false is considered a zero value. So, here when we do two numbers ko bitwise and, if the answer is non-zero, it's not zero or one; it's zero and non-zero. It will be considered true. द इफ स्टेटमेंट का आर्गूमेंट जो है वो ट्रू गिन के उसके आगे एक्सिक्यूट कर देगा कि जी बिट नंबर फोर इज सेट और अगर नहीं है तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट आइडिया ओके दैट वॉज जस्ट लिटल एसाइट के जी हॉजोंटल इंटीग्रेशन के जी अब हम एक्सप्लिसिटली हमने नहीं लिखा ग्रेटर देन जीरो इफ़ के साथ भी हमने कर दिया एंड सो ऑन नाउ लेट्स गो ऑन एंड टेक अ लुक एट द और ऑपरेटर वेन वी लुक एट द और ऑपरेटर

वन एंड वन और वन इज़ अ वन वन और ज़ीरो इज़ अ वन ज़ीरो और वन इज़ अ वन ज़ीरो और ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो सिर्फ एक लाइन है जिसमें आउटपुट ज़ीरो आती है इसमें हम क्या कर सकते हैं इस ऑपरेटर के साथ देखें अगर किसी नंबर में भी हम किसी बिट को वन करना चाहें वी वॉन्ट के आउटपुट के अंदर एक स्पेसिफिक बिट वन जरूर हो देन द वे टू डू इट वुड बी टू और अ नंबर और द ओल्ड नंबर विद दिस पैटर्न जिस पैटर्न के अंदर वो हमारी डिज़ायर्ड बिट ऑलरेडी वन है रिजल्ट क्या होगा अगर औरिजनल नंबर में वो बिट वन थी तो वह वन ही रहेगी लेकिन अगर औरिजनल नंबर में वो बिट ज़ीरो थी तो और होने की वजह से वहाँ पर फिर आउटपुट में वह वन आ जाएगी सो वी कैन स्पेसिफिकली सेट अ बिट टू वन बाट विद अस्पेसिफिक बिट पैटर्न जिस तरह मैंने एंड के बारे में बात की यहाँ पर मैं और के बारे में भी वॉन आपको करता चलूँ कि जो डबल पाइप सिम्बल है जो हम लॉजिकल कनेक्टिवस में इस्तेमाल करते थे एफ और वाइल स्टेटमेंट्स के अंदर वो जो है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है यहाँ पर जो है सिंगल पाइप सिम्बल वाला और विच इज़ अ बिट ऑपरेटर इसका आंसर विज बी ज़ीरो और वन इट इज़ अ बिट वैल्यू अगेन लेट अस लुक एट आर फेवरेट एग्जांपल फॉर दिस लेक्चर ट्वेल्व एंड एट इनको अगर और करें तो क्या होता है ट्वेल्व का बिट पैटर्न है वन वन ज़ीरो ज़ीरो और एट का बिट पैटर्न है वन ज़ीरो 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 इनको जब हम और करते हैं तो जहाँ पे दोनों लाइनों में ज़ीरो है वहाँ तो आउटपुट में ज़ीरो आएगा और अगर किसी भी एक नंबर में वन बिट सेट है तो आंसर में वन बिट सेट होगी लिहाजा आप देख रहे हैं कि जी द आंसर इज़ वन वन ज़ीरो ज़ीरो इन दिस केस ट्वेल्व और एट इज़ द सेम एज़ ट अगेन वट आई वुड रेट इज़ इसको आप मैथमेटिकली या अरिथमेटिकली ना देखिएगा इसको पैटर्न मैचिंग परस्पेक्टिव से आपने देखना है कि जी कौन सी बिट वन हो गई है एक आपने लिए ट्रीवियल एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें कि जी एट और वन क्या बनेगा सोचें एट का बेट पैटर्न है वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो फोर बिट्स में अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और वन का बिट पैटर्न है ज़ीरो 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 वन इनको और करें तो एट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो भी वन आ जाएगी आंसर में दरमियान में दो जीरोज़ होंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो वन में से वन नीचे आ जाएगा So the answer will be 1001, 0, 0, 1, which is 9. So 8 or 1 is 9, 12 or 8 is 12. So answer is do not think about it mathematically. Please think about it as patterns, bit patterns. Reiterating again, please do not confuse the bit and and or operators with the logical and and or operators. एंड जो ऑपरेटर है बिट मैनिपुलेशन का उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू चेक कि कोई नंबर के अंदर कोई बिट जो है वो ऑन है कि नहीं है और और ऑपरेटर आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है नंबर के अंदर बिट को वन करने के लिए सो यू वांट टू सेट अ बिट यू यूज़ द और ऑपरेटर लेट्स गो ऑन एंड लुक एट द रिमेनिंग टू व्हाट अबाउट द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन रेफरिंग बैक अगेन टू योर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एक्सक्लूसिव और के अंदर ये है कि जी अगर इनपुट में एक वन और एक ज़ीरो आए तब आउटपुट के अंदर वन आएगा अगर दोनों ज़ीरो हों इनपुट पे या दोनों वन हो इनपुट पे तो आउटपुट में ज़ीरो आएगा सो इफ यू लुक एट द ट्रूथ टेबल इट लुक्स समथिंग लाइक दिस वन एक्सक्लूसिव और वन विल रिज़ल्ट इन अ ज़ीरो वन एक्सक्लूसिव और ज़ीरो विल रिज़ल्ट इन अ वन ज़ीरो Exclusive OR with a वन will result in a वन and a ज़ीरो exclusive OR with a जीरो will result in a ज़ीरो So this is a slightly more complicated operator. लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है अपने लिए आप थोड़ा सा एक्सपेरमेंट करके देखें us take अपना वही ले लेते हैं 8 और 1 वाला example। सिंपल है हम जबानी तौर पे भी कर सकते हैं एट और वन को एक्सक्लूसिव और करें देखें क्या आता है सो वी हैव वन ज़ीरो 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 वन इनको एक्सक्लूसिव और करने लगे हैं और एक्सक्लूसिव और का हमने कहा है जहाँ पे भी ज़ीरो और वन आए या वन और ज़ीरो आए वहाँ पे आपको आउटपुट में वन बिट मिलेगी सो so इस केस के अंदर वट यू गेट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ अ ज़ीरो एक्सक्लूसिव और वन आंसर में वन आ गया Next, you have a 0 exclusive or 0, answer is 0. PID 0 exclusive or 0, answer is 0, and 1 exclusive or 0, answer is 1. So, the answer in this exclusive or example 8 exclusive or 1 is 1 0 0 1, which is 9, same as or, but is there a difference? लेट सी वॉट हैपन्स अगर हम इसके साथ फिर वन को एक्सक्लूसिव और कर दें अब हमारे पास पैटर्न आया है नाइन का विच इज़ वन ज़ीरो ज़ीरो वन इसके साथ फिर आप वन को एक्सक्लूसिव और कर दें क्या बनेगा क्विकली सिंपल इनफ आखिरी वाली बिट फिर वापस हो जाएगी इट विल बिकम एट अगेन नाउ दिस इज अभी मैं सिर्फ हिंट दे के फिर आगे चलता हूँ फिर आगे आके हम के देखेंगे कि जी एट एक्सक्लूसिव और वन से नाइन बन गया और फिर नाइन के साथ एक्सक्लूसिव और वन किया तो वापस एट बन गया ओके वी विल सी हाउ वी यूज दिस यूज़ दिस इन अ लिटल वाइल व्हाट अबाउट द नॉट ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी है यानी सिंगल आर्गमेंट लेता है कोई नंबर लें उसके आगे हम टिल्डा लगा दें तो वो उसकी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है जिस जो बिट वन थी वो ज़ीरो हो जाएगी जो बिट ज़ीरो थी वो वन बन जाएगी सो अगेन फ्रॉम एन अरेथमेटिकस्पेक्टिव इट इज़ डिफ़िकल्टू प्रिडिक्ट वॉट हैपन्स ऑल दो यू कैन मैथमेटिकली डू दैट बट सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ टू लुक एट अ अट इन्वर्जन सो अगेन थिंक पैटर्न बिट पैटर्न सो अगर आपके पास एट है वन जीरो जीरो ज़ीरो और उसको हम इन्वर्ट करते हैं सो टिल्डा आगे लगा के हम कहते हैं कि जी अब क्या बना तो पहले वाले वन का ज़ीरो हो जाएगा और बाकी तीन जीरोस का वन बन जाएगा तो आपका पैटर्न हो जाएगा ज़ीरो वन 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 विच इज़ फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन आंसर इज़ सेवन सो इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन ऑफ बिट्स हम इनको इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं दो तीन एग्जांपल्स ख्याल में आते हैं एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की दुनिया से है देखिए आप ज़्यादातर तो विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे विंडोज़ में भी यू कैन लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फाइल अगर आप कोई भी अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में से फाइल खोलें उसके ऊपर माउस का राइट right बटन क्लिक करें तो आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली अखीर पे होती है आप वो प्रॉपर्टीज़ देखें फ़ाइल की एक विंडो ही खुल जाएगी उसके अंदर फाइल का नाम उसका साइज़ कब बनाई गई कब मॉडिफाई हुई सो डेट क्रिएटेड डेट मॉडिफाइड एट्सट्रा नीचे देखेंगे तो कुछ चेक मार्क्स लगे हुए हैं रीड ओनली वाला एक डब्बा बना हुआ है शायद उसमें चेक मार्क हो शायद ना हो सिस्टम का भी एक डब्बा बना हुआ है एंड सो ऑन ना वेन यू वेन एवर यू थिंक ऑफ अ चेक मार्क यू रियलाइज यूर लुकिंग एट अ बिट बिकॉज या वहाँ पे चेक लगा हुआ है विच मीन्स वन या वहाँ चेक नहीं लगा हुआ विच मीन्स अ ज़ीरो सो वी आर लुकिंग एट बिट फ्लैग्स विच आर डिपिक्टिंग कि जी फाइल का स्टेटस क्या है सो so, अगर फाइल को रीड ओनली करना है तो कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बिट को ऑन कर दिया गया है तो वो फ़ाइल रीड ओनली हो गई अगर आप यही एग्जांपल लाइनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो अगर हम डायरेक्टरी लिस्टिंग लेते हैं फाइलों की तो उसके अंदर अगर आप में से किसी ने देखा है तो यू विल सी समथिंग लाइक आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स इस तरह लिखा होता है फाइल के नाम से पहले कई जगह पे लिखा होगा आर हाइफन एक्स एंड सो ऑन ये भी बिट्स हैं मैं आपको वैसे ही बताता चलता हूँ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि दीज आर बिट्स रिप्रजेंटिंग रीड राइट एंड एक्सीक्यूट परमिशन सो आर फॉर रीड डब्ल्यू फॉर राइट एंड एक्स फॉर एक्सीक्यूट और इसके तीन सेट्स हैं ओनर ओनर्स ग्रुप एंड द वर्ल्ड एट लार्ज सो तीन मुख्तल सेट्स ऑफ यूजर्स इस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं लेकिन दैट्स डिसाइड द पॉइंट कि जी वो यूनिक्स में ये रिप्रजेंटेशन होती है द आइडिया इज़ फाइल के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम रख रहा है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एट्रीब्यूट आर बेस्ट कैप्ट एज बिट फील्ड सो वेन एवर वी लुक एट बिट बिट मैनपुलेशन वी कैन थिंक जी अगर मैंने इस फाइल को रीड ओनली करना है तो क्या करूँगा आई विल सिम्पली सेट अ बिट विच सेज आई एम द रीड ओनली बिट अगर मुझे ऑन किया हो तो आई विल प्रिवेंट दिस फाइल फ्राम बींग मॉडिफाई

तो लॉगिन में आप अपना यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं या फॉर देट मैटर आप हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जब लॉग इन करते हैं तो आप अपना यूज़र नेम भी डालते हैं पासवर्ड भी डालते हैं और फिर हमारा सर्वर या आपका लोकल सर्वर जो है वो उसको वैलिडेट करता है कि जी जो आपने डाली है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है कि नहीं है एंड यू आर अलाउड टू वर्क और यू डिस अलाउड फ्राम एक्सेसिंग द सिस्टम द क्वेश्चन इज़ इट्स अ सिक्योरिटी इशू हाउ डू वी स्टोर दीज पासवर्ड्स आपने देखा होगा कि आप जब अपना लॉग इन आई डालते हैं यूज़र नेम डालते हैं तो वो तो आपको नजर आ जाता है जब आप पासवर्ड डालते हैं तो वो यूजली या डॉट्स आ रहे होते हैं या स्टार्ज आ रहे होते हैं द आइडिया ये है कि जी आपके अगर शोल्डर के पीछे कोई और साहब खड़े आपको देख रहे हों या स्क्रीन को देख रहे हों तो आपका पासवर्ड ना पढ़ लें ओके सो यू वी नॉर्मली मास्क द पासवर्ड बट वॉट हैपन्स ऑन द सर्वर साइड ये कहीं ना कहीं कोई डेटा होगा जिसके अंदर ये पासवर्ड स्टोर किया हुआ गा और फिर आप लॉग इन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी इस यूज़र का पासवर्ड इस डेटा में देखो वहाँ से पासवर्ड लिया जो आपने एंट्री की उनको मैच किया इफ़ दे बोथ मैच देन यू आर अलाउड टू एक्सेस द सिस्टम देर इज़ अ सटल प्रॉब्लम हेयर प्रॉब्लम यह है कि जी अगर वो पासवर्ड वैसे ही सिस्टम के अंदर स्टोर कर दिया जाए यानी सिस्टम डेटा के अंदर तमाम यूज़र्स के पासवर्ड्स पड़े हुए हैं तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी का पासवर्ड भी पढ़ सकता है एंड ही कैन ही और शी कैन गिव दैट पासवर्ड टू समी एल्स एंड दैट अकाउंट कुड बी मिस यूज हाउ वुड यू फाइंड आउट एज द यूज़र कि जी आपका अकाउंट जो है वो मिस यूज़ हो रहा है ओके यू वुड लॉग इन आपका पासवर्ड वैलिड है आप काम कर सकते हैं लेकिन आपने जब काम ख़त्म कर लिया कोई और आपके पासवर्ड से लॉग इन करके भी काम करता रहे आपको पता नहीं चलेगा टू प्रिवेंट दिस मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स नॉर्मली कीप द पासवर्ड इन एन इनक्रिप्टिड फैशन उसको कोड कर देते हैं ठीक है ताले लगा दिए कि जी इवन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको पढ़ ना सके अगर वो नहीं पढ़ सकता लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम कहते हैं सुपर यूज़र ही ओन्स द सिस्टम सो वो सर्वर पे बैठ के आपका पासवर्ड डिलीट ज़रूर कर सकता है आपका पासवर्ड चेंज ज़रूर कर सकता है बट देर इज़ नो वे फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू नॉर्मली फाइंड आउट वॉट योर पासवर्ड वॉज हाउ डज इस चेंज द इक्वेशन देखें अभी मैंने कहा कि अगर आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है और वो किसी और को पता चल जाए तो यू कैन बोथ बी यूजिंग द सिस्टम एट डिफरेंट टाइम्स एंड यू विल नेवर फाइंड आउट दैट योर अकाउंट इज बिंग मिस यूज ऑन द अदर हैंड इफ़ योर पासवर्ड कैनॉट बी स्टोलन बिकॉज इट इज़ इनक्रिप्टिड तो उसको सिस्ट एडमिन जो है उसने चेंज तो कर दिया लेकिन चेंज किया तो आप लॉग इन नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपको तो नहीं पता कि चेंज करके नया पासवर्ड क्या रखा गया है अगर आप लॉग इन नहीं हो सकते तो आपको इमीजिएटली पता चल जाएगा कि जी सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ है एंड यू कैन पिक अप द फ़ोन और कॉल सम बॉडी इनसे के जी मेरा पासवर्ड री सेट कर दो सो इट्स ईजी टू डिटेक्ट द क्वेश्चन इज हाउ ईजी और डिफिकल्ट इज इट टू डिक्रिप्ट दैट पासवर्ड दो तरीके हैं पासवर्ड वेरीफिकेशन के एक तरीका तो ये है कि पहले तो आप समझ लेना आपका पासवर्ड जो है वो हमने किसी मशीन से गुजारा उसकी इंक्रिप्शन कर दी और इंक्रिप्ट करके एक डिफरेंट बिट पैटर्न जो है वो आपके डिस्क पे रख दिया डेटा के अंदर रख दिया अब जब आप लॉग करना चाहते हैं एक तरीका ये है कि जी आप जब पासवर्ड की एंट्री करें तो डेटा से वो पासवर्ड उठाया जाए उसको डी किया जाए कि जी इसका ओरिजिनल क्या था और जो आपने टाइप किया उसको उसके साथ कंपेयर किया जाए बट दैट इज़ नॉट द वे वी डू थिंग्स दे आर टू रीजन्स फॉर देट वॉट वी डू इज़ कि जो आपने इस दफ़ा एंट्री की है उसको भी हम इनक्रिप्ट करते हैं और उसी एल्गोरिदम से उसी तरीके से उसी मशीन के थ्रू हम इनक्रिप्ट करेंगे जिससे हमने पहले किया था और दोनों इनक्रप्टिड वर्जनस को हम कंपेयर करते हैं एंड इफ दे मैच दैट्स गुड एनफ ना वाई डू वी डू दिस फर्स्ट इशू इज़ कि जी अगर हमें डिक्रिप्ट करने का कोई तरीका हो आपके पासवर्ड के तो फिर वही सुपर यूज़र या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी उसको देख सकता है कि जी पासवर्ड क्या है वो डिक्रिप्ट की कमांड चलाए उसको देख ले सो इट बिकम्स अ सिक्योरिटी इशू दूसरा इशू जो है वो ये है कि जी आपका पासवर्ड जो भी तार पर ट्रैवल करेगा कहीं ना कहीं तो जाएगा कम्पेयर होने के लिए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट पीपल फ्राम स्नूपिंग फ्राम लुकिंग एट द पासवर्ड ट्रेवलिंग ओवर द वायर सो नॉर्मली वी ट्राई टू यूज़ इनक्रिप्शन वैन पासवर्ड्स आर मूविंग टू एंड फ्रो तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर पासवर्ड मेकनिज़म में नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि जी ओके okay, डिक्रिप्शन का हमने बताया तो नहीं है लेकिन कोई तरीका तो होगा उसको डिक्रिप्ट करने का तरीक़े ज़रूर होते हैं एंड दे आर मैथमेटिकल इन नेचर लेकिन इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में टिपिकली जो अप्रोच इख्तियार की जाती है वो ये है कि जी इंक्रिप्ट करना आसान है एंड आसान को आप रीड कर लें कि जी बड़ी जल्दी से हो जाता है मे बी एक माइक्रो सकेंड ऑफ कंप्यूटर टाइम के अंदर इंक्रिप्शन हो जाती है लेकिन अगर आप उसको क्रैक करना चाहें उसको आप कहें कि जी इसको कोई एल्गोदमेकली कोई प्रोग्राम लिख के इसको तोड़ो ताकि पता चले कि पासवर्ड क्या है तो आपको शायद कई साल चाहिए कंप्यूटर टाइम के टू डिक्रिप्ट द पासवर्ड सो इट्स वन वे ट्रैफिक असेंशली इट्स ईजी टू एनक्रिप्ट हार्ड टू डिक्रिप्ट वेन एवर वी डू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वी टेक योर एंट्री ऑफ टूडे जो आज आपने पासवर्ड डाला है उसको इनक्रिप्ट करके हम उसके इनक्रिप्टड वर्जन के साथ कंपेयर करते हैं ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई अभी हमने एक्सक्लूसिव और बिट वाइज ऑपरेशन जो है उसके बारे में बात की थी और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि देखें एट और वन का एक्सक्लूसिव और नाइन आया है और नाइन और वन का एक्सक्लूसिव और फिर एट आ गया एक बिट जो है ना स्विच हो रही है अपने तौर पे आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें एंड प्रूव इट टू योर कोई इंटीजर ले लें ए ए का अपना बिट पैटर्न लिख लें कि उसकी बिट रिप्रेजेंटेशन के, आठ बिट्स का लिखें सोलह बिट्स का लिखें डजेंट मैटर कोई एक और नंबर ले लें बी ले, और उसका बिट पैटर्न लिख लें इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करें यू गेट सम अदर रिजल्ट सो वी हैव लेट्स कॉल द रिज़ल्ट सी सो वॉट वी डन इज सी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी सी को बी के साथ एक्सक्लूसिव और करें देखें क्या होता है सो इन अ वे द इक्वेशन इक्वे गॉट इज़ एक्सक्लूसिव और बी और पैरेंथिस लगा के फिर एक्सक्लूसिव और बी वट यू शुड बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ इज़ कि वो वापस ए में तब्दील हो गया है इसी तरह अगर आप वो सी जो आपका रिजल्टेंट आया था उसको ए के साथ एक्सक्लूसिव और करें तो वो वापस बी में तब्दील हो जाएगा सो इन अ वे इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट यू कैन चेंज वन नंबर इन टूर अनादर नंबर एंड येट है रिवर्स मैकेजम टू गेट द ऑरिजिनल नंबर बैक वो एक्सक्लूसिव वॉर के अंदर ये काम आ जाता है फ़र्क क्या है कि सपोज करें कि जी अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि ए वो है जो आपने पासवर्ड कीबोर्ड से टाइप किया बी एक नंबर है जो मैंने सीक्रेट रखा हुआ है तो मैं आपके पासवर्ड को उठा के बी के साथ एक्सक्लूसिव और करता हूँ और जो भी रिजल्ट आता है उसको स्टोर कर देता हूँ कैन एनी अदर यूज़र डिक्रिप्ट दिस नंबर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपने पासवर्ड क्या डाला था आंसर इज़ नॉन ट्रिवियल इट इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट विल रिज़ल्ट इन द सेम थिंग सो यू यू रियली कैनॉट नो ऑन द अदर हैंड क्योंकि मुझे पता है कि बी की वैल्यू क्या थी मैंने अगर कंपेयर करना है मैं सिर्फ बी के साथ फिर एक्सक्लूसिव और करूंगा मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाएगी सो so,

तो जो हमारे बड़े वाले सिस्टम्स हैं द मोर कॉम्प्लिकेटेड मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स लाइक आर सर्वर्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है कि ये 24 घंटे चलते रहें 365 डेज अ ईयर चलते रहें तो उसके अंदर वी कैन नॉट टेक द रिस्क कि अगर एक डिस्क मर गई तो जी सिस्टम ही बैठ जाए सो व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जिसको रेड कहा जाता है रिडन ऑफ़ इन एक्सपेंसिव डिवाइस आर ए आई डी रेड के अंदर हम एक डिस्क नहीं लगाते हम कई डिस्क लगा देते हैं रेड के कई लेवल्स हैं आई वॉन्ट गोइंग टू दैट बट मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ हम सपोज करें कि जी हम एक बाइट लिखना चाहते हैं रेड टेक्निक के अंदर ऑल दो देर आर मैनी सपोज हमने नौ डिस्क लगा ली हैं ऊपर नीचे मैं कहता हूँ एक बाइट जिसमें आठ बिट्स होती हैं वो डिस्क पर लिखो तो उसके लिखने का तरीक़ा हम ये इख्तियार करते हैं कि जी पहली बिट पहली डिस्क पे लिख दी दूसरी बिट दूसरी डिस्क पे लिखी तीसरी तीसरी पे एंड सो ऑन सो पहली आठ डिस्क के ऊपर हमने एक बाइट वन बिट एट अ टाइम लिख दी नौवीं डिस्क के ऊपर वॉट इफ़ यू वर टू टेक द एक्सक्लूसिव और ऑफ द फर्स्ट एट बिट्स ठीक है ना वन एट अ टाइम मतलब पेयर एट अ टाइम आप एक्सक्लूसिव और करते जाएं और एंड पे जो रिज़ल्ट आता है उसको नॉमी डिस्क पे लिखते हैं अब इसका फ़ायदा क्या होगा सपोज़ चलते चलते कोई एक डिस्क जो है वो बैठ जाती है स्टॉप्स वर्किंग ऑल यू डू इज़ यू पुट इन अनदर अधर डिस्क इन इट्स प्लेस अ न्यू वे डिस्क जो ठीक है बिल्कुल लेकिन वो अभी खाली है उसके ऊपर हम कुछ डेटा लिखना चाहते हैं ऑल वी डू इज़ कि जो बाकी की आर्ट हैं अब हमें नहीं पता कौन सी वाली दरमियान वाली शायद एक ख़राब हो गई हो बाकी आठ पे जो भी बिट्स हमें मिलती हैं उनको फिर आपस में एक्सक्लूसिव और करें और जो भी जवाब बनता है वो नई डिस्क के ऊपर लिख दिया जाए उस बिट पोजिशन के ऊपर मजे की बात यह है ये वही बिट होगी जो पहली ख़राब डिस्क पे लिखी हुई थी प्रूव इट टू तो योर सेल्फ ठीक है ना अपने लिए एक पैटर्न बनाएं एक्सक्लूसिव और करें और बीच में डालें एंड डिटर्मिन फॉर योर सेल्फ कि ये यूँ ही होता है कोई भी बिट मिटा दें बाकियों को एक्सक्लूसिव और करें इंक्लूडिंग द नाइन्थ ठीक है नौ डिस्क जो थी तो अब एक बीच में से निकाल दें तो जो भी आठ बिट्स बचती हैं उनको एक्सक्लूसिव और करें यूल फाइंड के वही बिट मिलेगी जो वहाँ से मिसिंग थी सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ रिकवरिंग डेटा विदाउट ईवन शटिंग डाउन योर कंप्यूटर और उसके अंदर जो फिर ये हार्डवेयर की साइड पर आ जाते हैं जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको हम हॉट प्लग कहते हैं चलते हुए कंप्यूटर पर चलती हुई डिस्क में से एक खराब हुई उस पर लाल बत्ती जल गई वो डिस्क चलते हुए कंप्यूटर में से निकाल ली जाती है और वो नई डिस्क उसकी जगह पे डाल दी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्क रिपेयर हो जाती है उस पर सारा डाटा सिस्टम जो है वापस लिख देता है वार्निंग देता चलूँ अपने कंप्यूटर के साथ ये ना कीजिएगा जो हमारे होम पीसीज हैं दे आर नॉट मेंट कि जी चलती हुई मशीन में से डिस्क को अनप्लग कर लिया जाए ठीक है उसको ऑफ करके ही हम इस्तेमाल करते हैं दिस इज़ मट फॉर द मेजर सर्वर्स वॉट एल्स कैन वी डू सो वे डिस्कवरिंग इन इन अ वे कि एक्सक्लूसिव वॉर जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन याद है हमने एक एग्ज़ाम्पल खैर एक नहीं कई एग्जाम्पल किए थे कि जी दो नंबर्स को आपस में स्वाप करने के लिए एंड द यूजल टेक्निक विच एस एड इज सो कॉमन अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे जस्ट बिकम सेकेंड नेचर कि दी दो नंबर्स को अगर आपस में इंटरचेंज करना है तो आपको एक तीसरी पोजिशन चाहिए सपोज यू हैव एंड बी एंड यू वॉन्ट टू इंटरचेंज देम यू हैव टू हैव अ थर्ड पोजिशन सी जहाँ पे से ए की वैल्यू सी में लिख दी बी की वैल्यू ए में लिख दी और फिर सी में जो सेव की हुई थी ए की वैल्यू उसको ला के बी में लिख दिया तो द स्वॉपिंग इज अचीव्ड देन वी ऑल्सो डेड एन एग्जाम्पल जहाँ पे हमने शॉप बाई रेफरेंस किया था फंक्शन किया था बट कैन वी डू अप ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द थर्ड मेमरी लोकेशन नॉट दैट इट्स रियली नेसेसरी कि हम यूँ करें लेकिन कई दफ़ा ये ज़रूरत पेश आ जाती सपोज यू ट्राई इट ठीक है ना टेक टू नंबर्स अनसाइंड इंटेजस ए एंड बी आप ये करें ए के साथ बी को एक्सक्लूसिव और करके ए में लिख दें फिर बी के साथ जो ए की नई वैल्यू है उसको एक्सक्लूसिव और करें और बी में लिख दें और फिर ए की जो वैल्यू है उसको बी की नई वैल्यू के साथ एक्सक्लूसिव और करके ए में लिख दें

टिपिकली हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ साइन बिट सो अगर वो ज़ीरो हो तो नंबर पॉजिटिव गिना जाता है और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन हो तो नंबर नेगेटिव गिना जाता है सो नॉर्मली ऑल ऑफ दिस ऑपरेशंस वी विल डू विद अनसाइंड इंटीजर्स और उसका भी सिंटैक्स है कि यू राइट अनसाइंड पूरा वर्ड अनसाइंड इंट और फिर आगे, आगे आई जे के जो भी लिखना है So then, they will be treated as positive numbers only. On the most significant bit, be one ho ya zero ho, they will be treated as positive numbers. So try some bit operations within your programs. Write some programs and find out the results are as expected. These chote small results You can calculate on paper Let's go on. Next area that I would like to cover is shifting numbers right and left. शिफ्टिंग मैथमेटिकली कोई इसकी सिग्निफिकेंस है देखें वन एवर वी शिफ्ट बाइनरी नंबर्स इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू शिफ्टिंग डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास वन डेसिमल हो और मैं कहूँ उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दो इन अ वे कि जो जगह बची है वहाँ ज़ीरो लिखा जाए तो नंबर बन जाता है टेन मैथमेटिकली हमने क्या किया नाउ टेन मार्क्स टू दोज हु सेड के जी हमने दस से मल्टीप्लाई किया है एंड जीरो मार्क्स टू दोज जिन्होंने ये कहा है कि जी इसमें नाइन हमने ऐड किया है बिकॉज एक्चुअली वीर मल्टीप्लाइंग बाई टेन एंड इफ यू रिमेंबर पोजिशनल नोटेशन दैट्स वॉट इट इज़ टेन लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट शिफ्ट करें और अखीर वाली जगह पर ज़ीरो लिख दें तो आपने फिर टेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेन मल्टीप्लाइड बाई टेन हंड्रेड हो गया वन जीरो जीरो सेम थिंग अप्लाइज़ वेन वी डू बिट शिफ्ट इफ़ यू वर टू शिफ्ट लेफ़्ट बाई वन बिट

नाउ इट बिकम्स अ लिटल कन्फ्यूजिंग बट डोंट बी कन्फ्यूज दिज अट शिफ्ट ऑपरेटर्स वाई इज़ इट कन्फ्यूजिंग सिम्बल इसका वही है जो हम सी इन और सी आउट के साथ इस्तेमाल करते आए हैं यानी डबल लेस दैन जो है इट्स अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और डबल ग्रेटर दैन जो है इट इज़ अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड दिस इज़ बिट शिफ्ट ऑपरेटर्स और इसके साथ हम नंबर दे सकते हैं कि जी कितनी बिट्स से शिफ्ट करना है So it is convenient to look at it that way. Take a number, or usko up karein left shift by one. Chota sa program and prove to yourself the answer is original number multiplied by two. Isi se usko right shift karein by one and prove to yourself that it's the original number divided by two. When we are doing this bit shifts and all of these operations, remember we will be working with अनसाइंड इंटेजर्स इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं एक मैंने आपको बता दिया कि जब आप नंबर को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो उसकी राइट right साइड पे जो खाली बचती हैं बिट्स वहाँ जीरोस आना शुरू हो जाते हैं सो so, जैसे नंबर लेफ्ट चलता गया आखिर वाली खाली बिट्स में जीरोस इंसर्ट होते गए सेम अप्लाइज़ टू अ राइट शिफ्ट इफ़ यू वर टू डू अ राइट शिफ्ट तो लेफ़्ट मोस्ट बिट जो है द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वहाँ पर ज़ीरो आते जाएंगे फ़र्क थोड़ा सा आ जाता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स इफ़ यू आर यूजिंग साइंड नंबर्स आई वॉन्ट गोइंग टू दैट कॉम्प्लिकेशन लेकिन देखें साइन नंबर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो वन होती है अब अगर साइन नंबर को मैं राइट right शिफ्ट करूं तो क्या होगा अगर तो वो वन बिट भी शिफ्ट हो जाए और वहाँ पे ज़ीरो लिखा जाए तो सडनली एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर बन जाएगा Normally, operating systems, your compilers, they will treat these differently. So you may have to experiment with it. What happens if you right shift a negative number? Nonetheless, this time we unsigned ki baat unsigned, So unsigned ke andar ap left right shift karke and prove to yourself that these are multiplication by two and division by two. So lots of bit manipulations you can do. एनी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स वी कैन कवर हेयर वेल अगेन एफिशेंसी के हवाले से सोच लें कि जब हम कंप्यूटर को कहते हैं कि जी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो अब वही प्रॉब्लम आ जाता है जो पहले मैं ओकेजनली जिक्र करता जाऊँ आपके साथ कि जी हमारे कम्प्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि जी एक हज़ार मल्टीप्लाई किए तो वो कितने सेकेंड्स में होगा वो तो माइक्रो सकेंड्स में हो जाता है लेकिन लेट मी टेल यू Bit shifting is usually more efficient than straight multiplication. Nonetheless, I will qualify it, I will not say always. It depends on how you manipulate these bits. And again, the particular operating system you are using, the particular compiler you are using, how efficiently it encodes it. But playing with bits is quite fast. You are using a small amount of memory space. टू स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉमेशन देखें एक बाइट अगर ले लें तो आठ मुख्तलफ़ चीज़ें जो हैं उसके अंदर आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ स्टोर कर सकते हैं फाइल जो है अगर ले, ले लें जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था कि जी वो रीड ओनली है कि नहीं है वो आरकाइव्ड है कि नहीं है वो सिस्टम फाइल है कि नहीं है अगर हम ऑर्डनरी नंबर इस्तेमाल कर रहे होते या इंटिजर्स कर रहे होते मे बी वै यूज थ्री बाइट्स फॉर देट यहाँ पर वी यूज ओनली थ्री बिट्स अब अगर देखें जब मैं फाइल का एग्जांपल देता हूँ ये फाइल्स हैं जिनके एट्रीब्यूट्स डिस्क के ऊपर स्टोर हुए हुए हैं सो डिस्क स्पेस जो है वो एट अ प्रीमियम होती है वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी स्पेस सो इट इज़ वेरी नाइस दैट वी कैन स्टोर फाइल एट्रीब्यूट एज फ्लैग्स एज मास्क ऑन द डिस्क एंड डिटर्मिन कि उसके फाइल के साथ क्या कुछ कर सकते हैं एनी ट्राई आउट द बेट ऑपरेटर्स अपने लिए प्रूव टू योर सेल्फ वर्क एंड एस्पेश डू द एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको कही थी एक्सक्लूसिव वर्क के लिए बिकॉज दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं लेकिन फॉर द मोमेंट आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स दैट यू आर इक्विप्ड विद नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू डू अ ब्रीफ एक टॉपिक जो रह गया है और उसके साथ फिर हम शुरू से लेके अब तक जो कवर किया है उसको हम रिव्यू कर लेंगे बिकॉज़ आई नो योर मिड टर्म्स आर कमिंग अप सो वर्क हार्ड स्टडी हार्ड एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर देना है रटने के ऊपर ज़ोर नहीं देना सो टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़